नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 30 अक्टूबर को बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तारापुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर जितने भी उम्मीदवार हैं, जरा उनकी सूची देखिए। जेडीयू से राजीव कुमार सिंह, आरजेडी से अरुण कुमार सिंह, कांग्रेस से राजेश कुमार मिश्रा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से चंदन सिंह, प्लूरल्स पार्टी से वशिष्ठ नारायण। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कुल मतदाताओं की संख्या क्या कुछ है। कुल मतदाता 3,27,242, पुरुष वोटर 1,76,000, महिला वोटर 1,51,000, थर्ड जेंडर 8। ये जो आंकड़े हैं, ये अनुमानित आंकड़े हैं। चलिए अनुमान के आधार पर जातीय समीकरण क्या कुछ है तारापुर विधानसभा सीट पर, वो भी जान लेते हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समुदाय के लोग यहाँ पर मतदान करते नजर आएंगे। इनकी संख्या 90,000 के आसपास है और फीसदी में 27% इनकी आबादी है जो लोग अति पिछड़ा वर्ग से मतदान करेंगे। वहीं कुशवाहा समाज के 65,000 वोटर हैं और प्रतिशत के हिसाब से 20% इनके वोटर माने जा रहे हैं। वहीं यादव समाज के 60,000 वोटर हैं और 18% इनकी संख्या है। सवर्ण समाज से 47,000 वोटर हैं और 14% के आसपास ये वोटर हैं। वैश्य समाज से 45,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और प्रतिशत के लिहाज से इनकी आबादी 14% के आसपास है। वहीं दलित मतदाता की संख्या 20,000 है और प्रतिशत के लिहाज से 6% इनकी संख्या है। बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट मुंगेर जिले में आती है और जमुई संसदीय क्षेत्र में भी आती है। जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर तारापुर विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है। 2020 में जेडीयू के टिकट पर मेवालाल चौधरी यहां से जीते। 2015 में जेडीयू के मेवालाल चौधरी ही जीते। वहीं 2010 से जेडीयू की नीता चौधरी विजयी हुई। 2005 में आरजेडी के शकुनी चौधरी, वहीं 2000 में आरजेडी के शकुनी चौधरी विजयी हुए। चलिए अब तारापुर विधानसभा सीट पर 2020 में परिणाम क्या कुछ रहा, वो भी जानते हैं। जेडीयू के मेवालाल चौधरी विजेता रहे और 64,468 वोट हासिल किए। वहीं आरजेडी से दिव्य प्रकाश दूसरे स्थान पर रहे, 57,243 वोट मिले। वहीं एलजेपी से मीना देवी तीसरे स्थान पर रही, 11,264 वोट मिले। और इस बार के कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा भी निर्दलीय 2020 में चुनावी मैदान में उतरे और 10,466 वोट हासिल किए। इसके अलावा नोटा का बटन भी 1534 लोगों ने दबाया, जिसका मतलब ये था कि 1534 लोगों को उम्मीदवार पसंद नहीं आया। तारापुर विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का था और 7,225 वोटों के अंतर से मेवालाल चौधरी ने जीत दर्ज की थी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मतदान का प्रतिशत क्या कुछ रहा पिछले कुछ चुनावों में। 2020 में 55% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2015 में 52% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन 1985 के चुनाव में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ था। तो चलिए ये तो बात हुई पिछले चुनाव की, लेकिन जो दर्शक हैं हमारे, जो बिहारवासी हैं, जो तारापुर के वोटर हैं, उनकी नजरें टिकी है कि इस बार के उपचुनाव में आखिर जीत तो कौन दर्ज करेगा। 30 अक्टूबर को मतदान है, देखना होगा कि उस दिन कितनी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और किस उम्मीदवार को विजयी बनाते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।